हेलो गाइस, वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल। बच्चों, मैं आपको क्यूब का बताए थे बच्चों, आज आपको मैं बच्चों बताऊंगा कैसे हम क्यूब रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट बताए थे बच्चों, आपको आज मैं बताऊंगा कि कैसे हम आज क्यूब रूट निकालेंगे। तो बच्चों देखें कैसे हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। बच्चों यदि आपको दे दिया कि हमने लिख दिया है कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है। यदि बच्चों यदि हमको नंबर्स निकालना है, हमें 21,952 का क्यूब रूट निकालना है। 21,952 का क्यूब रूट निकालना है। तो बच्चों हम कैसे क्यूब रूट निकालेंगे? बच्चों पहले हमको 3 डिजिट पहले से ले लेंगे। राइट हैंड साइड टेक द 3 डिजिट नंबर एंड जो लास्ट जो है लेफ्ट हैंड साइड का जो नंबर जो बचता है बच्चों उसको इसी रहने देंगे। तो 952 में बच्चों बस आपको हमको ये देखना है कि लास्ट में 2 किस नंबर में आता है। तो लास्ट में 2 हम देखेंगे बच्चों किस में आता है। तो 2 हमारा बच्चों आता है, ये हमारा 508 के क्यूब में आता है। तो बच्चों हम यहाँ पे 8 लिख लेंगे। अब बच्चों हम ये देखेंगे 21, ये जो 21 है ये किसके किसके बीच में आता है। तो 21 बच्चों 8 और 27 के बीच में आता है। तो बच्चों हम इसमें ये देखेंगे कि जो 2 आ रहा है बच्चों, तो 2 का 2 वाला किसके बीच में होगा जो, तो ये बच्चों हम ये देखेंगे तो 827, तो ये बच्चों ये हमारा नंबर आ रहा है 21, बच्चों ये 2 ही के मतलब 2 के नजदीक में है। तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे क्या लेंगे, 2 लेंगे बच्चों। इस तरह से बच्चों हमारा ये हो जाएगा 28 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा कोई चीज हम क्यूब रूट निकालना है बच्चों, अब इसे हमको निकालना है। अब इसमें 571,787 मतलब बच्चों यदि हमको यह नंबर दिया गया है और इसका हमको क्यूब रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो बच्चों हमको पहले इसमें हम नंबर ले लेंगे 3 नंबर ले लेंगे। तो 3 नंबर लेंगे तो बच्चों अब ये देखेंगे कि 7 किसके में आता है। तो 7 बच्चों हमारा आता है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इसका क्यूब रूट 7 में आता है, तो ये 7 का 3 का ही आता है। तो यहाँ पे बच्चों हम 3 ले लेंगे। अब बच्चों ये देखेंगे 571 जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर बचते हैं, तो ये देखेंगे कि ये किसके किसके बीच में होगा। 512 और 729 के बीच में होगा। तो बच्चों यह जो है समझ लीजिए कि 71 है 571, तो बच्चों ये 8 के ही नियरेस्ट में होगा, तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे 8 ले लेंगे। तो इस तरह से बच्चों मैंने हम ये क्यूब रूट निकाल सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेंगे। जैसे बच्चों हमको दिया है 91,125 दिया है बच्चों। तो अब इसको देखेंगे बच्चों क्या होगा। 5 का देखेंगे बच्चों, तो 5 कौन से में लास्ट नंबर आता है, लास्ट नंबर 5 किसमें आता है, 5 किसकी क्यूब में आता है। तो 5 में 5 का क्यूब में आता है। अब बच्चों ये तो 3 निकल गया, अब बचा 91। अब 91 देखेंगे बच्चों किसके किसके बीच में आता है, तो 64 और 125 के बीच में आता है। तो अब बच्चों हम इसको नंबर जो लेंगे ये फोल्ड होगा, क्योंकि 64 और 125 के बीच में तो 64 के ही नजदीक में होगा। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा आंसर हो गया 45। तो इस तरह से हम क्यूब रूट बच्चों हम लोग निकाल लेते हैं, एक तरह से क्यूब रूट हम फाइंड करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अन्य समय में बच्चों यदि आपको इसमें कोई भी कहीं से कंफ्यूजन यदि आपको आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं बच्चों आपको इसी तरह से शॉर्टकट मेथड बच्चों जैसे क्यूब रूट मैंने निकालने के लिए बताया,
बहुत ही आप 5-6 डिजिट के भी नंबर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। इस आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बच्चे जो है 1 सेकेंड में 2 सेकेंड में निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि उनको शॉर्टकट मेथड मालूम नहीं है बच्चों। तो मैं हमारे आर्यन एजुकेशन चैनल पर आप आए और बच्चों आप इससे जो है आप देखें और अच्छी तरह से उसको समझिए। नहीं समझ में आता है बच्चों तो हमें कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें जिससे और भी बच्चे लाभान्वित हों। थैंक यू। आज तो वीडियो